इस प्रकार की देश द्वेष की भावना से जोर जबरदस्ती से एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं किया जो सरकार हर दिन दिन प्रतिदिन 8 साल से कर रही है। नंबर 2, सोनिया गांधी को बुलाने का कोई दूर दूर लंबा लंबा कोई औचित्य नहीं है। ये महिला जिन्होंने अपने अध्यक्ष की हैसियत से एक कंपनी की वो बनी डायरेक्टर और शेयर होल्डर, वो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसमें आप न कोई मुआवजा दे सकती हैं, न ले सकती हैं, न डिविडेंड दे सकती हैं, ले सकती हैं, उसमें आज इनका कोई संपर्क नहीं है, ये दिन प्रतिदिन उसको रन नहीं करती थी, इनको बुलाने का औचित्य क्या। तीसरा, जो कुछ कागजात हैं वो 7 साल से 6 साल से सार्वजनिक रूप से सामने हैं, कोर्ट कचहरी में दस्तावेज हैं, तो मैं आपको बुला के क्या कहूंगा, आपको वही कागज दिखा के पूछूंगा वो क्यों बुलाया गया, क्या लगता है आपको क्यों बुलाया? द्वेष, राजनीतिक अपमान, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक छिछलापन, राजनीतिक छोटापन, ओछापन, ये सभी वाक्य और फ्रेज इस सरकार के हॉलमार्क हैं, उसकी पहचान है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम सांसद यहाँ हैं, सांसदों की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर बात करने की कोशिश करेंगे। हबी जी, आप लोग संसद के अंदर भी प्रदर्शन करके आए हैं, आप बाहर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी दफ्तर जाना चाहते हैं, क्या लगता है पहुंच पाएंगे अपने नेता के लिए? नहीं, सब जगह पुलिस कल रात से AICC के हेडक्वार्टर्स और तमाम सारे रस्तों को बंद किया है, ये लोकतंत्र के खिलाफ, जो हमारे जो राइट्स है उसके खिलाफ है। और ईडी देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है ये गाड़ी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, जाहिर तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से सोनिया गांधी जो है वो इस वक्त ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी है। सुरक्षा के आगे जो है यहाँ पर तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से आगे यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हैं, जबकि पीछे जो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है। फिलहाल जो है वो ये गाड़ी जो है वो अंदर जा रही है ईडी दफ्तर के अंदर, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से फिलहाल जो है वो सोनिया गांधी जो है वो पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर में। अब थोड़ी देर बाद ही इनसे पूछताछ किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से गाड़ी में आगे जो है वो राहुल गांधी बैठे हुए थे, जबकि पीछे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो बैठी हुई थी। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोनिया गांधी की गाड़ी जैसे ही अंदर दाखिल हुई उसके बाद यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है। अब थोड़ी देर के बाद ही उनसे पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सोनिया गांधी जब अपने घर से जनपद से निकली उसके बाद से ही लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता जो थे, वो उनके साथ आने की कवायद कर रहे थे, लेकिन तमाम जगहों पे जिस तरीके से बैरिकेड लगाए गए थे और जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। फिलहाल जो है सोनिया गांधी इस वक्त जो है वो ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी है। अब प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले वो एंट्री करेंगी, उसके बाद अंदर जाएंगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उनसे पूछताछ जो है वो किया जाएगा। जाहिर तौर पर ईडी पहले से ही तैयारी कर चुकी है इस पूरे मामले में कि क्या क्या जो सवालों की फहरिस्त है उसके साथ ईडी के ऑफिसर जो हैं वो सोनिया गांधी के सामने बैठेंगे और उसके बाद उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पहली बार ईडी दफ्तर में आज सोनिया से पूछताछ होगी। इससे पहले भी सोनिया गांधी को समन किया गया था, लेकिन तबीयत का हवाला देते हुए सोनिया गांधी नहीं पहुंची थी। इस पूरे मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हो चुकी है, पवन कुमार बंसल से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सोनिया गांधी से अब तक पूछताछ नहीं हुई थी और अब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर गाड़ी को निकाला गया है।